दोस्तों आज हम लोग यहां पर बात करने वाले काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका टाइटल है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NDMA और हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। आखिर सेंट्रल लेवल पर यह बॉडी कैसी होती है, क्या इसकी कंपोजिशन होती है, क्या क्या इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटी होती है, स्टेट लेवल पर यह किस तरीके से काम करती है, वहां पर इसकी किस तरीके से कंपोजिशन होती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यह कैसे काम करती है, तो तीनों लेवल पर अलग अलग तरीके से इसको कवर कर मैं आप लोगों को बताऊंगा और कई बार आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा। और खासकर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहां पर डीएम की भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो भी मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा कि एक तरीके से अगर इस पोस्ट पर आप लोग जाते हैं तो यहां पर आप लोग क्या रोल प्ले करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है। और इसी के साथ में देखिए, कहीं पर भी किसी भी तरह कोई डिजास्टर हो सकता है, कहीं सुनामी आ सकती है, कहीं पर अर्थक्वेक आ सकता है या फिर कोई साइक्लोन टाइप में कंडीशन बन सकती है, बाढ़ आ सकता है, तो वहां पर ये अथॉरिटी काम करती है। तो उसके बारे में भी सिचुएशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि वहां पर आप लोग भी कुछ ना कुछ इस तरह की स्टेप उठा सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कम किया जाए। ठीक है, बोलते नहीं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो सारी बातें यहां पर हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NDMA। डिजास्टर का मतलब क्या है? डिजास्टर को कई तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। जिस तरीके से अगर बोले कहीं सुनामी आ गई है या फिर कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं अर्थक्वेक आ गया है, तो ये सारे एक तरीके से डिजास्टर के रूप आप लोग बोल सकते हैं। जैसे यहां पर पिक्चर आप लोग देखिए, ये गुजरात का अर्थक्वेक है जो कि गुजरात में आप लोग को अर्थक्वेक देखने को मिला था 2001 में। अगर यहां पर साइड में आप लोग बात करेंगे, ये स्त्री कंडीशन बनती है सुनामी। जैसे सुनामी की अगर बात करें तो सुनामी आप लोगों को देखने को मिली थी 2004 में। तो ये वो सिचुएशन है जहां पर कहीं ना कहीं अगर हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर होते तो बहुत सारे लोगों की जान हम लोग बचा सकते थे, पर लेकिन नॉर्मली ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जब तक इंसान के सर पर चीजें आकर नहीं पड़ती है, वो इंसान जो है चीजों को सुधारने की कोशिश नहीं करता है। कुछ ऐसी कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। बात करते हैं यहां पर इसको इंट्रोडक्शन के बारे में। हालांकि जो यहां पर हाई पावर्ड कमिटी जो थी वो 1999 में बनाएगी, पर लेकिन इसके बाद में जब गुजरात में अर्थक्वेक आया यानी कि भूकंप आया, उसके बाद में सोचा गया कि कुछ अच्छी सी चीजों को प्रिपेयर करना है। पर लेकिन वही है, यहां पर भी जो चीजें हैं इतने अच्छे से नहीं हुई, क्योंकि वो है ना कि जल्दी भूल जाते हैं अगर कुछ गलती चीजें होती है तो। फिर उसके बाद में जब सुनामी आई 2004 में और बहुत सारे लोगों की जान लेकर गई, उसके बाद में समझ में आया कि भैया आप कुछ काम करना पड़ेगा, तो तब जाकर हमारी कंट्री में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आया। यानी कि जब तक सर पर पड़ेगी नहीं तब तक हम लोग सुधरेंगे नहीं। तो कुछ ऐसा ही फंडा यहां पर देखने को मिला गवर्नमेंट का और उसी के पैटर्न पर यहां पर चीजों को इंप्लीमेंट किया गया। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से निकल कर आई, जो कि हमारी कंट्री में एक स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको प्रोवाइड कराया गया। मतलब क्या? मतलब यह है कि एक लॉ के थ्रू यहां पर इंप्लीमेंट की गई हमारी कंट्री में। अगर एक ओवरव्यू में आप लोगों को यहां पर देना चाहूं तो ये एक बेस्ट पिक्चर आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इसके बाद फिर डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक एक स्टेज को। सबसे पहले यहां पर होता है सेंटर के लेवल पर, जिसको आप लोग बोलते हैं यहां पर सेंट्रल लेवल पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो सेंट्रल लेवल पर जो यहां पर काम करता है, ये यहां पर काम किया जाता है किसके अंडर में? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में यहां पर काम किया जाता है। पर लेकिन जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, तो चेयरपर्सन यहां पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं और फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है जो कि यहां पर काम करते हैं। तो ये जो सबसे ऊपर होता है, ये होता है सेंट्रल लेवल का, अगर कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो सेंटर से स्टार्ट यहां पर किया जाता है। सेकेंड नंबर पर आ जाते हैं यहां पर स्टेट यानी कि राज्य के अंदर में, यहां पर ये होते हैं यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये यहां पर ये काम करते हैं। बाकी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है जो कि चीफ मिनिस्टर के अंडर में आती है। और तीसरे नंबर पर जब आप लोग आएंगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में अलग अलग पोर्शन होगा, एक होगा पंचायत और दूसरा होगा म्युनिसिपैलिटी। तो यहां पर जो मेन फंक्शन होता है यहां पर ये होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, जो चेयरपर्सन होते हैं यहां पर वो कौन कौन होते हैं उसके बारे में अभी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, जहां जहां पर क्या क्या कंडीशन बनती है तो हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो ये होता है स्टेट लेवल पर। तो मोटे मोटे तौर पर मैंने आप लोगों को यहां पर बताया, यह नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और यहां पर यह नेशनल का जो इंस्टीट्यूट है डिजास्टर के फील्ड में काम करने वाला, वो इसके बारे में अभी बताऊंगा आप लोगों को। पहले इसके बारे में आप लोग जान लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहां पर यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो एक तरीके से संस्थान है, यह हमारी कंट्री में डेवलप किया गया था काफी पहले, लगभग 1995 में। ठीक है, तो यह जो बनाया गया हमारी कंट्री में, इंस्टीट्यूट तो बना दिया गया पर लेकिन आगे चलकर यह काफी लेट हो गए कि हाँ 1995 के बाद में 2005 में हम लोगों के यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया। यानी कि 10 साल यहां पर लग गई यहां से यहां तक पहुंचने के लिए। इसी के बीच में कई सारी त्रासदी आ गई जिसके चलते जो यहां पर यह लगा कि अब तो बनाना ही पड़ेगा वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएंगी। ये जो है यहां पर पास किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा 2006 में, तब यहां पर इंप्लीमेंट किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है वो
होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, यानी कि जो होम मिनिस्टर हैं वो यहां पर इसके प्रेसिडेंट होते हैं। लोकेशन इस इंस्टीट्यूट की कहां पर है, ये न्यू दिल्ली के अंदर में है। और जो इसका मोटो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर फ्री इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री जो है एक तरीके से ये यहां पर मोटो रेजिलिएंट इंडिया है। एक तो है रेजिलिएंट इंडिया और दूसरा है डिजास्टर फ्री इंडिया। तो एक तरीके से आपदा प्रतिरोधी भारत और इसी के साथ में आपदा मुक्त भारत। तो इस तरीके से यहां पर ये इसका मोटो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया यहां पर, ये रेजिलिएंट इंडिया और डिजास्टर फ्री इंडिया। तो ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अब मैं आप लोगों को यहां पर डिटेल में यहां पर डिस्कस करूंगा अलग अलग लेवल पर। सबसे पहले आप लोगों को लेकर चलता हूं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लेवल पर। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में आप लोगों ने अभी यहां पर इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा, अब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे पर्टिकुलर यहां पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। तो इस अथॉरिटी के बारे में डिटेल में चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया, फिर जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया उसके बाद में फिर इसको नोटिफाई किया गया 2006 में अंडर द एक्ट प्रोविजन, यानी कि बाद में फिर एक्ट के अंदर चीजें यहां पर स्टार्ट कर दी गई। सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं यहां पर वो इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, यानी कि टोटल मिलाकर अगर आप लोगों से पूछे कितने मेंबर होते हैं तो 9 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। 9 से ज्यादा नहीं होने चाहिए मतलब 8 प्लस जो इसके चेयरपर्सन होते हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर, तो 8 प्लस प्राइम मिनिस्टर यानी कि टोटल मिलाकर 9 मेंबर होंगे। और प्राइम मिनिस्टर यहां पर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंगे। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कैसे होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट डालते हैं अपनी कंट्री में। जैसे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट डालते हैं तो फिर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने अंदर से एक पर्टिकुलर लीडर को चुनते हैं, तो वो लीडर फिर आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो हम लोग डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं चुनते, हम लोग इनडायरेक्ट वे में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फिर ये लीडर चुनते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर यहां पर ये पर्सन आ गया वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन यहां पर बन गया। एक तरीके से एक्स ऑफिशियल का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर बनते ही इसका चेयरमैन बन जाएगा, इसके लिए अलग से कोई क्वालिफिकेशन होने की जरूरत नहीं है इसका चेयरमैन बनने के लिए। ये मतलब होता है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन का। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो चेयरमैन होगा हमेशा प्राइम मिनिस्टर होगा, जो भी उस पोस्ट पर उस टाइम पर रहेगा, ठीक है। आज के डेट में कौन है पता ही होगा कौन है, चलिए बताइए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है अदर मेंबर जो होते हैं, वो जो चेयरपर्सन यहां पर बन जाएगा वो चेयरपर्सन यहां पर अदर मेंबर को यहां पर नॉमिनेट करेगा, ठीक है। जैसे ही चेयरपर्सन बना फिर दूसरे मेंबर यहां पर नॉमिनेशन से आएंगे। चेयरपर्सन जो रहता है वो यहां पर एक मेंबर इनमें से जो 8 मेंबर बच गए एक को वाइस चेयरपर्सन की पोस्ट पर यहां पर बैठाता है। और जो वाइस चेयरपर्सन होता है इसकी जो पावर होती है वो कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होती है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि कल को कोई भी डिसीजन अगर ले जाना है डिजास्टर के फेज में अगर जाएंगे तो यहां पर डायरेक्ट उससे कॉन्टेक्ट किया जा सके, और कैबिनेट की रैंक के जो लोग होते हैं वो यहां पर डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के कॉन्टेक्ट में रहते हैं और वहां से डायरेक्ट डिसीजन लिए जाते हैं, यानी कि हाई प्रोफाइल डिसीजन जो यहां पर लिए जाते हैं वो इसी लेवल पर लिए जाते हैं। बाकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट की कैटेगरी में आता है जो दूसरे जो मेंबर रहते हैं, यानी कि अच्छी खासी पावर होती है अगर बात करें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अगर कंट्री में कोई आपदा आती है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर बात करें ये किसके अंडर में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहता है। देखिए चेयरपर्सन तो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं यहां पर, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहता है वो यहां पर रहता है होम मिनिस्ट्री के अंडर में। और होम मिनिस्टर कौन है उनके बारे में आज की डेट में सब जानते हैं, तो यहां पर होम मिनिस्टर जी के कंट्रोल में यहां पर ये रहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों मिलकर यहां पर सेंटर के लेवल पर जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको यहां पर लीड कर चलते हैं, अगर कोई डिजास्टर आता है तो जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। अब यहां पर इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं, आखिर क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं। देखिए आप लोगों ने, जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, जैसे न्यूज़पेपर का डिस्कशन हम लोग करते हैं, फिर कुछ भी पढ़ाता हूं, तो वहां पर बीमारी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो मैं आप लोगों को बोलता हूं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बीमारी होने से पहले ही आप लोगों को उसकी जड़ पकड़ लेनी है। अगर बीमारी होगी तो फिर आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो करना क्या है, जैसे मौसम चेंज होता है तो अपना ध्यान रखिए, गर्मी होती है तो गर्मी के हिसाब से चलिए, सर्दी होती है तो सर्दी के हिसाब से चलिए, यानी कि अफरा तफरी में अपनों को अपनी चीजों को आप लोगों को चेंज नहीं करना है। जैसे मौसम चेंज हो रहा है उसके हिसाब से काम आप लोगों को करना है, तो इससे बीमारी कम लगेगी। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंट करना है और प्रिपेयर करना है और रेजिलिएंट करना है, रोकथाम करना है, तैयारी करनी है और लचीलापन होना चाहिए जो भी आप लोगों का प्लान है। रिजिडिटी क्या रहती है, एक तरह से रिजिडिटी अगर रहेगी तो हो सकता है कि सिचुएशन आप लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो और कुछ और प्रॉब्लम आ जाए तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए भी आप लोगों को तैयार रहना है। वो कब होगा, वो तब होगा जब आप लोगों के पास में इसकी नॉलेज होगी या फिर इनोवेशन आप लोग करेंगे और एजुकेशन यहां पर प्रॉपर वे में प्रोवाइड कराई जाएगी। इसी के साथ में दूसरा जो फोकस है ऑब्जेक्टिव का यहां पर,
कैसे मिटिगेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यूज करके या फिर ट्रेडिशनल और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात की जा रही है, यानी कि टेक्नोलॉजी भी यूज करनी है और इसी के साथ में ऐसा कुछ काम करना है कि इन्वायरमेंट पर भी इंपैक्ट ना पड़े, वो भी सस्टेनेबल रहे। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, हमने तो भैया यूज कर लिया, आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़कर जाए, तो एक तरीके से सस्टेनेबिलिटी का भी पूरा फंडा यहां पर देखने को आप लोगों को मिलता है। डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर आप लोग बात करते हैं तो प्रॉपर जो यहां पर एक तरीके से डेवलपमेंट प्लानिंग तक यहां पर जो प्रोसीजर पहुंचता है, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट से एक डेवलपमेंटल प्लानिंग तक जो प्रोसीजर होता है वो यहां पर इसी के द्वारा तैयार किया जाता है। डिजास्टर तो हो गया, अब आगे कैसे क्या लेके चलनी है चीजें उसको देखा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कहां कहां पर असेसमेंट किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है कि कहां कहां पर डिजास्टर के रिस्क हैं, यानी कि अगर कहीं पर उनको लगता है यहां पर रिस्क है डिजास्टर, अगर यहां पर अर्थक्वेक आएगा तो ये बिल्डिंग गिर जाएगी तो उसको अलग से नोटिफाई कर दिया जाता है, अगर भूकंप आएगा या फिर कोई बाढ़ आएगी या फिर कोई सुनामी आएगी तो इस एरिया में काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, तो उस एरिया को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर वहां पर उसी तरीके से अपनी जो चीजें हैं प्रिपेयर कर यहां पर चली जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर डेवलपमेंट जो कॉन्टेम्परेरी जो फोरकास्टिंग होती है, यानी कि एक तरीके से आप लोगों को पता होगा कई बार आप लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि साइक्लोन आने वाला है, ठीक है, इसके बारे में कई बार पहले बता दिया जाता है, दो तीन दिन पहले वहां से लोगों को खाली कर दिया जाता है, तो ये जो फोरकास्टिंग होती है इसको भविष्यवाणी बोलते हैं, अर्ली वार्निंग दे दी जाती है लोगों को, जैसे मछुआरों को कि आप लोग समुद्र में मत जाना कि उस एरिया में साइक्लोन आएगा, तो ये सारे काम जो होते हैं कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के थ्रू किए जाते हैं और इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट वाली जो अथॉरिटी है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसी के साथ में जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का उनको वहां से निकालने की कोशिश की जाती है, कोस्टल एरिया में कोई लोग रह रहे हैं उनके पास में रिसोर्सेज तो है नहीं, तो बाढ़ आएगी कुछ भी आएगा तो डूबकर मर जाएंगे। आप लोग ये सोचिए अगर कोई ऐसी सुनामी आ रही है और यहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बहाकर ले जा रही है तो उसमें एक नॉर्मल इंसान अगर कोस्टल एरिया में रह रहा है उसकी क्या औकात की यहां पर बच जाएगा, तो इस तरीके से पहले से उसको वहां से निकाल लेना, अर्ली वार्निंग के थ्रू काम करना, तो ये सारा काम जो किया जाता है इस अथॉरिटी के थ्रू यहां पर किया जाता है जो कि सब सिचुएशन को कंट्रोल करके चलता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। प्रमोट करता है प्रोडक्टिव और इसी के साथ में यहां पर प्रोएक्टिव, प्रोडक्टिव भी यानी कि एक अच्छा होना चाहिए और प्रोएक्टिव होना चाहिए यहां पर पार्टनरशिप मीडिया के साथ में, क्योंकि मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है चीजों को अवेयर करने में, तो डिजास्टर के टाइम पर जो मीडिया है सोशल मीडिया भी वहां पर हो सकती है, न्यूज़पेपर हो सकता है, रेडियो हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है या फिर कोई भी आप लोगों का जो भी हैंडल है मीडिया हैंडल वो यहां पर एक तरीके से रोल प्ले करता है। और पास्ट में आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारी चीजें, जैसे बिहार में बाढ़ आई थी हम लोगों ने बहुत सारी जो हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल हैं जैसे फेसबुक वगैरह हो गया बहुत सारी चीजें यहां पर शेयर की थी, बहुत सारी ऐसे रूल और रेगुलेशन थे उस टाइम पर जो मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किए थे, तो उससे क्या होता है आप लोगों तक चीजें पहुंच रही थी, आप लोग फिर उसको अपने आसपास वाले एरिया में पहुंचा रहे थे, तो कई सारे एरिया में बहुत बड़ा रोल प्ले किया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, तो सोशल मीडिया भी एक अच्छा टूल है यूज करने के लिए इस पर्टिकुलर रीजन में। ये थे यहां पर ऑब्जेक्टिव, अब यहां पर बात करते हैं हम लोग फंक्शंस के बारे में, फंक्शन आखिर क्या किया जाता है, तो सबसे पहले तो यहां पर जो पॉलिसी वगैरह होती है डिजास्टर मैनेजमेंट से यानी कि आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है वो इनके द्वारा तैयार की जाती है कि भैया क्या क्या होना चाहिए, यहां पर ये प्रॉब्लम है इसमें ये सिचुएशन होनी चाहिए, तो उसके लिए एक नेशनल लेवल का प्लान भी तैयार किया जाता है कौन कौन से राज्य में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उन सारे राज्य को आइडेंटिफाई कर लो और फिर उसके बेस पर एक अच्छा सा प्लान लेकर आओ ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, वो भी रहता है। और इसी के साथ में यहां पर गाइडलाइन भी तैयार की जाती है जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है के लिए, यानी कि स्टेट लेवल की जो अथॉरिटी है उसके लिए गाइडलाइन भी यहां पर इनके द्वारा तैयार की जाती है कि हां भैया ऐसे काम करो ऐसे करो और इससे यहां पर ये सॉल्यूशन निकल सकता है। गाइडलाइन के साथ साथ में यहां पर डिफरेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के उनके साथ में इंटीग्रेट होकर काम किया जाता है, मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ गई ठीक है और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को देखा जाएगा, बाढ़ आ गई रोड टूट गई तो रोड वाले डिपार्टमेंट को देखा जाएगा, बाढ़ आ गई हेल्थ वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कुछ महामारी मिल जाए तो हेल्थ वाले डिपार्टमेंट को देखा जाएगा, तो सबको मिलाकर काम करना है और उसी के हिसाब से जो इफेक्टेड वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में है किस तरीके से उनके वहां से निकाला जाए और वहां पर प्रॉपर प्लान इंप्लीमेंट किया जाए तो वो काम किया जाता है। फंड कितना यहां पर आना चाहिए, क्योंकि जब यहां पर कोई इस तरीके डिजास्टर आया है माने बाढ़ आ गई है तो वहां कई सारी चीजें बर्बाद हुई होगी, तो इसको कंप्लीट करने के लिए जो प्रॉब्लम हुई है उसके लिए कितना फंड यहां पर आना चाहिए तो उसका प्रोविजन भी यहां से निकल कर आता है। इसी के साथ में सपोर्ट किया जाता है अदर कंट्री को, आप लोगों मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही न्यूज़पेपर में पढ़ा था जब मैंने आप लोगों को बताया था कि मेडागास्कर आइलैंड के लिए हमारी कंट्री की साइड से हेल्प प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है, वहां पर अभी बाढ़ देखने को वहां पर अभी साइक्लोन देखने को मिला, इसी तरीके से कई बार यहां पर जापान की हेल्प की जा चुकी है, जापान में बहुत फ्रीक्वेंटली ये अर्थक्वेक वगैरह या फिर इस तरीके से बाढ़ वगैरह देखने को मिल जाती है, इसी तरीके से इंडोनेशिया हेल्प हमारी कंट्री के द्वारा की गई थी, तो अलग अलग कंट्री में जो अफेक्टेड लोग हैं वहां पर उनकी हेल्प करने के लिए भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर डिसाइड करती है कि किस तरीके से रिलीफ मटेरियल वहां पर भेजना है और चीजों का सॉल्यूशन निकालना है, तो वहां पर भी ये ही अथॉरिटी यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसी के साथ में जो पॉलिसीज हैं गाइडलाइन है खासकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया यहां पर, इसके लिए भी यहां पर जो पॉलिसी गाइडलाइन है यहां पर इसी के द्वारा तैयार की जाती है, तो ये सारे जो मोटा मोटा फंक्शन है ये इसी के फंक्शन है। कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेंगे,
करेंगे वो क्या है, एक मिनिमम स्टैंडर्ड तैयार करना रिलीफ के लिए, यानी कि ये तो होना ही चाहिए। वैसे मैं बोलता हूं ना कि धरती पर आप लोग कहीं भी रहें, कम से कम अपना बेसिक ये रखिए स्टैंडर्ड कि इतना तो पढ़ना ही है भैया, कुछ भी हो जाए, चाहे 4 या 5 घंटे 6 घंटे तो पढ़ना ही है कहीं पर भी, चाहे आप लोग क्यों ना रहे। तो इस तरीके से कि आज क्या करना है कि 10 क्वेश्चन तो कम से कम प्रैक्टिस करने ही करने हैं, एक आंसर तो डेली लिखना ही लिखना है। तो ये कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड आप लोगों के होने चाहिए, डेली मॉर्निंग में उठकर आधा घंटा एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड आप लोगों को कभी गिरने नहीं देंगे अगर ये स्टैंडर्ड आप लोग फॉलो करके चलते हैं। पर लेकिन ये आसान नहीं है, डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा, और डिसिप्लिन एक तरीके से कहीं ना कहीं अगर आप लोग कहते नहीं कि एक अच्छी क्वालिटी में आप लोगों को आना है तो HD यानी कि अच्छी क्वालिटी हाई डेफिनेशन आप लोग जिसको बोलते हैं, तो हेल्थ अच्छी तभी होगी जब आप लोग डिसिप्लिन में होंगे, तो तभी आप लोगों को हाई क्वालिटी लाइफ मिलेगी। तो ये सारी चीजें एक तरीके से पार्ट है, अगर आप लोग इनको ढंग से अंडरस्टैंड करना चाहें तो आप लोग इनको कनेक्ट कर चलेंगे तो सारी चीजें अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अफेक्टेड लोगों के लिए क्या क्या रिलीफ मटेरियल लेकर चलना है, सीवियर मिटिगेशन जो रिलीफ या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन वगैरह, अगर मान लीजिए क्या है किसी ने लोन ले रखा है, वहां पर बाढ़ आ गई, सब कुछ भाग गया, तो लोन देने की तो कैटेगरी में वो है नहीं, तो उनके लोन के बारे में फिर कुछ सोल्यूशन किया जाए कि भैया कुछ बाद में ले लेना, उनके ऊपर टैक्स की छूट दे दी जाए, तो वो सब चीजें। इसी के साथ में यहां पर एक तरीके से जनरल सुपरिंटेंडेंस किया जाता है, डायरेक्शन की जाती है, कंट्रोल किया जाता है जो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF को, यानी कि जो फोर्स है कहां पर जानी चाहिए क्या काम करेगी वो सारा काम यहां पर ये करते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या क्या होना चाहिए यहां पर, उसके लिए टेंडर निकलता है कि कौन कौन क्या क्या काम करेगा, वो सब चीजें किस किस को क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजों के लिए टेंडर निकला जाता है। इनके लिए कपड़े आने हैं, इनके लिए फिर कुछ और भी सामान लेकर आना है जो यहां पर इक्विपमेंट वगैरह यूज किए जाएंगे। इसी के साथ में प्रिपेयर की जाती है एक एनुअल रिपोर्ट जो कि गवर्नमेंट को सबमिट की जाती है इसके द्वारा, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहती है उसको फिर पार्लियामेंट में लेकर जाती है। तो ये काम किया जाता है यहां पर मोटे मोटे तौर पर किसके द्वारा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। अब ये तो नेशनल के लेवल पर पहुंच गए, अब हम लोग चलते हैं सेंट्रल स्टेट के लेवल पर। देखिए जो बात मैंने बोली वहां पर स्टेट के लेवल पर वो काम यहां पर चीफ मिनिस्टर का होगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा कंपोजिशन के बारे में, तो वहां पर हम लोगों ने कितने मेंबर की बात की, 9 मेंबर की, तो यहां पर भी 9 मेंबर ही होंगे, ठीक है, सबसे बड़ी बात। चेयरपर्सन कौन रहेगा, वहां प्राइम मिनिस्टर थे, तो यहां पर कौन होंगे, यहां पर चीफ मिनिस्टर होंगे। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होगा, वो यहां पर चीफ मिनिस्टर होगा, यानी कि अगर आप लोग चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तो इस पोस्ट पर आप लोग अपने आप पहुंच जाएंगे, तो याद रखना। दूसरा बोला जा रहा है अदर मेंबर नोट एक्सीडिंग 8, यानी कि ज्यादा 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो वो यहां पर चेयरपर्सन जो होगा यानी कि जो चीफ मिनिस्टर होगा वो इसको नॉमिनेट करेगा। जैसे वहां पर प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर रहे थे, यहां पर चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा 8 मेंबर को, वहां भी 8 मेंबर को ही चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया गया था, यहां भी 8 मेंबर नॉमिनेट होंगे, वहां भी 8 मेंबर नॉमिनेट होंगे, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में जो चेयरपर्सन है वो एक वाइस चेयरपर्सन को भी यहां पर नॉमिनेट कर सकता है जो कि यहां पर रिक्वायरमेंट है इसके लिए, तो वो यहां पर कौन करेगा, वो भी यहां पर चीफ मिनिस्टर ही करेगा। तो पूरा कंट्रोल का जो फंक्शन है यहां पर ये चीफ मिनिस्टर के हाथ में होगा, जैसे वहां पर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में था। बाकी फंक्शन में ही है, जो जो भी वहां पर फंक्शन बोले गए थे कि हां इस तरीके से डिजास्टर होता है कोई तो उसको टैकल करके चलना है, जो सेंटर के द्वारा जो गाइडलाइन दी जाती है उनको फॉलो करके चलना है, तो वो सारी चीजें यहां पर इसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में, अब चलते हैं यहां पर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर। यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, कुछ चीजें हैं यहां पर जो एक्स्ट्रा आप लोगों को देखने को मिलेगी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर। सबसे पहली बात तो यह है, कल को अगर आप लोग यहां पर यूपीएससी क्लियर करके आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होगी, आप लोग को भी यहां पर एक अपना रोल प्ले करने का मौका मिलेगा सोसाइटी के लिए। सबसे पहले तो मेंबर में कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर 9 मेंबर थे स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी, पर यहां पर 7 मेंबर है, यानी कि 2 मेंबर जो है वो कम कर दिए गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, कौन है यहां पर चेयरपर्सन, कौन रहता है, अगर आप लोग कलेक्टर बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिप्टी कमिश्नर बनते हैं, तो आप लोग इनडायरेक्ट वे में एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बन जाएंगे, यानी कि डिजास्टर की जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि DDMA के आप लोग चेयरपर्सन बन जाएंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर ये, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है लोकल अथॉरिटी के, वो एक्स ऑफिशियल को चेयरपर्सन यहां पर बनते हैं। जैसे वहां पर वाइस चेयरपर्सन है, यहां पर एक तरीके से को चेयरपर्सन इनको बोला जाता है जो इलेक्टेड अथॉरिटी के मेंबर वहां पर होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया पंचायत लेवल पर हो गए, या फिर आप लोग यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप लोग बात करते हैं, मान लीजिए अगर कोई ट्राइबल एरिया है तो ट्राइबल एरिया कहां पर आता है, तो 6th शेड्यूल के अंदर आता है हमारे संविधान में। तो जो ट्राइबल एरिया है वहां पर नॉर्मली पंचायती सिस्टम काम नहीं करता है प्रॉपर वे में, तो यहां पर सारी पावर जो रहती है वो ट्राइबल में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है उसके अंदर रहती है। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो रहती है, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, जो उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं वो यहां पर एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन बनते हैं, अगर ट्राइबल एरिया की हम लोग बात करते हैं। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो उस एरिया का होता है और मेडिकल जो चीफ ऑफिसर होता है उस एरिया का, वो भी यहां पर इसके मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से मेंबर है। बाकी 2 अदर मेंबर जो रहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, वो अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, याद रखिएगा। यहां पर जो चीफ है यहां पर, उसके हाथ में पावर इतनी नहीं है, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करके चलती है, एग्जैक्टली, ठीक है। और इसी के साथ में
अगर कहीं पर जिला परिषद है तो फिर इस तरीके से जो चेयरपर्सन यहां पर जिला परिषद जो रहेंगे वो को चेयरपर्सन यहां पर बन जाएंगे, ठीक है, अगर जिला परिषद की यहां पर बात की जा रही है तो। इस तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो फंड है वो पैटर्न कुछ आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा, जहां पर डिटेल में सारी चीजें आप लोगों के सामने नजर आएगी। ओके, तो यहां पर इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। तो तीनों लेवल का मैंने आप लोगों को समझाया। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो फंक्शन होते हैं एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर वो काम यही करता है। स्टेट लेवल, सेंटर और स्टेट लेवल क्या करते हैं, वो तो वहां पर गाइड करते हैं। एक्जैक्टली जो इंप्लीमेंटेशन होती है वो यहीं से निकल के आती है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के हिसाब से कोऑर्डिनेट करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो नेशनल लेवल के और जो स्टेट लेवल के सारे जो फंड हैं वो यहां पर इनके द्वारा इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो इसके जो फंक्शन है वो इसी तरीके से जो मेन फंक्शन होते हैं वो यहां पर होते हैं। प्रिपेयर करना जो मैनेजमेंट प्लान है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कोऑर्डिनेट करना, मॉनिटर करना नेशनल पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी, नेशनल प्लान, स्टेट प्लान और डिस्ट्रिक्ट प्लान, तो सारा जो इंप्लीमेंट करने का काम होता है वो इनका होता है, यानी कि इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी यहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। इसीलिए डीएम के हाथ में इतनी पावर होती है क्योंकि इंप्लीमेंटेशन उसी के हाथ में आ जाती है। अगर बात करें यहां पर डिस्ट्रिक्ट वल्नरेबिलिटी के बारे में, अगर आप लोग वल्नरेबल सेक्शन है खासकर पर्टिकुलर एरिया में, तो उसके हिसाब से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर डिजास्टर के टाइम पर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। डिपार्टमेंट जो होते हैं गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, लोकल अथॉरिटी, वो सब इसके साथ मिलकर काम करते हैं। आगे अगर बात करें ऑर्गेनाइज कराया जाता है, इसी के तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाता है। यहां पर अगर कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत है वहां पर पर्टिकुलर एरिया में, ताकि जो फोर्स है, जो वर्कर है, उनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके कि रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है। इसी के साथ में यहां पर फैसिलिटेट किया जाता है कम्युनिटी को भी, ताकि जो कम्युनिटी ट्रेनिंग की जा सके, अगर कहीं पर कोई बाढ़ आती है तो कम्युनिटी कैसे हेल्प करें वहां पर उस बाढ़ को रोकने के लिए, और अवेयरनेस प्रोग्राम भी वहां पर चलाए जाते हैं। लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट और इसी के साथ में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी, यानी कि जिसको आप लोग एनजीओ बोलते हैं, वो भी मिलकर यहां पर प्रॉपर वे में काम करती है। सेटअप करना है, मेंटेन करना है, रिव्यू करना है और अपग्रेड करना है। हर एक लेवल पर सारी चीजें प्रॉपर वे में चीजों को लेकर चली जाती है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी चीजें इनके बोली गई है वो सारी चीजें जब इंप्लीमेंट की जाएगी तो यहां पर आकर इंप्लीमेंट की जाएगी। अगर गांव वाले एरिया में प्रॉब्लम है तो गांव वाले एरिया में, और अगर डिस्ट्रिक्ट के एरिया में प्रॉब्लम है तो डिस्ट्रिक्ट के एरिया में, तो ये सारा काम इनके हाथ में दे दिया जाता है। एडवाइस करना, एसिट करना या फिर कोऑर्डिनेट करना, ये भी काम इन्हीं का रहता है, खासकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेचुटरी बॉडी या फिर अदर गवर्नमेंटल या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनको इंगेज करके रखना, या फिर सोशल मीडिया हैंडल की जैसे मैंने आप लोगों से बात की थी, वो भी सारा काम यहां पर इन्हीं के कंट्रोल में आता है। आइडेंटिफाई करना कौन सी बिल्डिंग जो है वो जर्जर हो रही है, हो सकता है गिर सके, उसको रोका जाए पहले ही, वहां से लोगों को निकाला जाए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वनरेबल सेक्शन को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जाती है परफॉर्म करना है फंक्शन, तो स्टेट और गवर्नमेंट के जो जो यहां पर खासकर जो प्लान रहते हैं उनको अगर कोई भी यहां पर इसको दिया जाता है कि हाँ ये फंक्शन भी आप लोगों को परफॉर्म करना है, तो स्टेट के हो गए या फिर डिस्ट्रिक्ट के या फिर जो भी इनको यहां पर एक तरीके से प्रीफर किए जाते हैं कि आप लोग ये भी करने, आप लोगों जो असाइन किए जाते हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, तो वो भी काम यहां पर ये करते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके से मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को बताऊं तो यहां पर एक तरीके से ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने वाला जो काम है वो सारा इनके द्वारा यहां पर किया जाता है। ठीक है, था कंप्लीट लेक्चर, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो यस लिखिए, और पसंद नहीं आया, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना डाउट लिख सकते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलूंगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं यहां पर टेलीग्राम पर, सारा लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अगर आप लोग हैं तो मेरे साथ में आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि क्यों डिसलाइक किया, ताकि आने वाले टाइम में लेक्चर को इंप्रूव किया जा सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें, तब तक के लिए जय हिंद।